तेजस राजधानी एक्सप्रेस का सोमवार को नया रूट बदलकर परिचालन शुरू कर दिया गया है। मंगलवार की शाम तेजस राजधानी एक्सप्रेस भागलपुर पहुंची, जहां पर सांसद अजय मंडल के अलावा कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर राजधानी के लिए रवाना किया। आपको बता दें, राजधानी एक्सप्रेस की मांग भागलपुर के लोग दो दशक से कर रहे थे। रेल मंत्रालय ने अब भागलपुर वासियों को नए साल में बड़ी सौगात दी है। मंगलवार की शाम 6:27 में भागलपुर स्टेशन से तेजस राजधानी एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना हो गई। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 30 मिनट तक तेजस एक्सप्रेस रुकी रही। बताया जा रहा है कि जमालपुर में 2 मिनट रुकेगी। सप्ताह में एक दिन इस रूट से ये ट्रेन गुजरेगी। भागलपुर होकर तेजस राजधानी एक्सप्रेस गुजरने से लोगों में काफी खुशी का माहौल है। इस संबंध में सांसद अजय मंडल ने कहा कि लोगों को 2 दशक से इंतजार था, रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी, हम लोगों ने काफी कोशिश की है, अब तेजस एक्सप्रेस भागलपुर होकर गुजरेगी। आगे उन्होंने बताया कि यह सभी भागलपुर जनता के सहयोग से संभव हुआ है। उन्होंने ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधियों को नहीं चुना है। उनका कहना है कि 5 साल में हमने जितना काम किया वो शायद ही कोई सांसद कर पाएगा। वहीं तेजस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के समय गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे तो नहीं आए, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके भाई जरूर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह जनता की जीत है, जनता का भरोसा भाजपा ने पूर्ण रूप से निभाया है, इसके लिए उन्हें तहे दिल से भागलपुर की जनता शुक्रिया अदा करती है। भागलपुर को ये सौगात जो मिला है भागलपुर की जनता ने, काम करने वाला अपना प्रतिनिधि चुना है, भागलपुर की जनता ने अपना सेवक चुना है और कोको करने वाला वो हॉरन नहीं चुना है। यहाँ इसीलिए भागलपुर की जनता का हर काम हुआ है। मैं हमसे पहले 7 सांसद पूर्व हमारे बिहार के पूर्व स्वर्गीय भागवत आजाद जी मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उन्होंने भागलपुर लोकसभा में NTPC बड़ा इतना प्रोजेक्ट ला करके दिया था। मैं उन्हें उनका बहुत गुणगान करता हूँ। दूसरा 7वां सांसद अजय कुमार मंडल है, जो कि भागलपुर लोकसभा में जितना विकास का पैसा आया है, अब आने वाला कोई सांसद हमको लगता है कि 2-4 साल तक, 2-4 पंचवर्षीय तो नहीं ला सकेगा, क्योंकि भागलपुर का बहुत सारा काम मैंने निपटा दिया है और ये सब भागलपुर की जनता का देन है। तेजस राजधानी लाने में किसका देन? भागलपुर की जनता ने मुझे चुना और मैंने लाया। मैंने रेल मंत्री ने मैं बताता हूँ, अरे भाई अभी रुके, एक रुकिए, हम बताते हैं। रेल मंत्री ने ट्वीट किया, जिस समय ये ट्वीट की बात चला था, जिस समय था, उस समय मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से कितना चिट्ठी लिखा था वो सब आप लोगों को भी दिया था, सबको पता है। और मैं ये नहीं कहूँगा, जब भागलपुर की एक एक जनता का हाथ है तो निशिकांत भैया भी तो भागलपुर की जनता है, वो भी तो हमारे वोटर हैं। अगर उनका कहना है तो क्या गलत मानते नहीं, वो वोटर हैं हमारे। अजय 2 सांसदों के हम सांसद हैं। मैं भाग्य, मेरा 2 भाई, बड़ा भाई जो है वो सांसद है, एक निशिकांत भैया और अश्विनी चौबे जी, हम बड़े भाई हैं, उनको गुरु भी मानते हैं। दोनों भाई हमारे वोटर हैं, अगर इसमें उनका कहना है तो भागलपुर की जनता वो है उनका। निशिकांत जी का है हाथ इसमें? मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि भागलपुर की जनता का हाथ नहीं है। मैं ये कहूँगा भागलपुर की जनता के हाथ है, ये जनता ने ऐसा सब अपना चुना सेवक और ये आ गया। श्रेय मैं तो सुन रहा था लोगों को, श्रेय किसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सारे लोग जान रहे हैं, और वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए यही बोला जा सकता है कि बोलना कुछ नहीं है, करना है, ये जनता देखती है कि किसने किया नहीं किया। और श्रेय की जहाँ तक बात है तो श्रेय तो माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से दे ही दिया। मुझे तो नहीं लगता है कि रेलवे में उनसे बड़ा कोई अथॉरिटी आज के डेट में भारत में है। और जहाँ तक बात है, उनकी बातों को तो काटा जा सकता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही काट सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, माननीय सांसद या जो भी श्रेय लेना चाहते हैं, कोई नरेंद्र मोदी तो नहीं है। जब अश्विनी वैष्णव जी ने लिख के दे दिया कि ये गोड्डा सांसद के पहल पे मैंने तेजस राजधानी दी, बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर आगे जो भी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे, जैसे इनमें हर्ष है, मुझमें हर्ष है, जितने भी भागलपुर की जनता है सब में हर्ष है,
तो हर्ष मनाने के लिए तो सब आ सकते हैं, लेकिन जिंदाबाद तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, जिंदाबाद अश्विनी वैष्णव ही होंगे, जिंदाबाद निशिकांत दुबे। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई लोग इस तरह से आपका स्वागत कर रहे हैं भागलपुर में, बहुत अच्छा लगा। सिल्क सिटी है ये, यहाँ पर सिल्क सिटी और यहाँ का सिल्क जो पूरे विश्व में मशहूर है, और यहाँ से इस तरह का आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम, ओके थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे पैसेंजर से? पैसेंजर से कहा कहेंगे तो सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, सबको अच्छे सही सलामत पहुँचा देंगे। जी सर बताइए, कैसी फैसिलिटी मिल रही है आप लोगों को इस ट्रेन में? इस ट्रेन में अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, खाना भी अच्छा है, और ये जो सीटिंग है ना इसका वो बहुत अच्छा है। बाकी ट्रेन में जो सेकंड एसी की ट्रेन में है वो हमारा सिर अगर मैं सीधा बैठता हूँ तो वो ऊपर वाली सीट के साथ सट जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी गैप है, तो आप काफ़ी सुविधाजनक रूप से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो फेयर कुछ कैसा है बाकी ट्रेनों के मुकाबले? फेयर इसका बाकी ट्रेनों से ज़्यादा है, मतलब प्रीमियम क्लास की ये गाड़ी है तो इसका फेयर और दूसरी ट्रेनों से काफ़ी ज़्यादा है। साफ सफाई सुरक्षा को लेकर के क्या लग रहा है कि बाकी? नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर इसमें जो डोर्स हैं वो काफ़ी अपने आप बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, बार वाला खोल नहीं सकता, और सेटिंग वाला है आजकल, और यहाँ पर साफ सफाई अच्छी है, क्या लगता खाना भी अच्छा है, क्या अच्छी सौगात है ये बिहार वासियों के लिए? हाँ हाँ, काफ़ी अच्छी सौगात है, और जो अभी ये नया रूट आज से बनाया है उन्होंने, तो जो रास्ते में पड़ने वाले जो जिनके पास ये राजधानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी उन यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, और ये टाइम से पहले ही पहुँचा रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर पहुँचने का टाइम इसका 6:25 था और ये 5:40 पर यहाँ पर पहुँच गई है, तो मतलब टाइम का भी बहुत अच्छा है कि टाइम से पहुँचा रही है, टाइम से पहले पहुँचा रही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर से कहलगांव की ओर जा रही एक ट्रेन में एक महिला फोन से बातें कर रही थी, तभी एक झपटमार चोर ने मोबाइल छीनकर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों ने झपटमार चोर को पकड़ लिया। इस दौरान ट्रेन चलती रही और वो झपटमार चोर ट्रेन से लटका रहा और वो लोगों से अपने को छोड़ने की मिन्नतें करता रहा। वहीं फिर कुछ लोगों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। ट्रेन रुकते ही 3-4 लोग आते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं और फिर दूसरी ओर धीरे धीरे मारते हुए लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर आप गौर से देखें तो साफ पता चलता है कि जो लोग उस लड़के को उतार कर ले गए वो लोग उसी झपटमार चोर के गैंग के सदस्य हैं, जो पब्लिक से बचाकर उसको लेकर सुरक्षित निकल जाते हैं। ओ तो गिरेंगे ना वो, बंद करो भाई। हे 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 हे, मारे मोबाइल मारे बोला। हाँ पकड़, अरे लोग उसी का आदमी होगा। हाँ ओकरे आदमी को, 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 उसी का आदमी है। ओकरे आदमी को, ओकरे आदमी को, मारे मारे, आज क्या मारे?
दुर्घटना में घायल होने के बाद सुरक्षा मुहैया करने वाली सोसाइटी जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह का बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस जन्मदिन के मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्य श्रम आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीबकांत मिश्रा, भागलपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर गाना बजाने के साथ ही सभी लोगों ने लिट्टी चोखा का मजा भी लिया। इस मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हमारा यहाँ पर जन्मदिन मनाने का मुख्य मकसद सभी एक साथ मिले और सभी लोग यह प्रण मिले कि वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले हेलमेट जरूर पहने, साथ ही जो चार पहिया वाहन चलाते हैं वो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इसके साथ ही 0 माइल स्थित सलम बस्ती में जाकर अजय सिंह ने बच्चों के बीच जल्द ही पठन पाठन सामग्री और गर्म कपड़े भी बांटने की बात कही। इसके अलावा शहर के ज्वलंत मुद्दों के समाधान हेतु शीघ्र ही भागलपुर के सभी संगठनों को एक मंच में लाने के लिए प्रहरी को पुनर्जीवित करने की बात कही गयी। आज हमारा बर्थडे है यानी जन्म दिवस है और इस मौके पर अभी नए साल में सभी को एक साथ बधाई देने का मौका है और हम लोग नए साल में अभी मकर संक्रांति भी हुआ है उसी के जस्ट बाद है, यह मिलने जुलने का मौका है और हम लोग एक दूसरे को उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उसी क्रम में लोग आज हमारे जो फेसबुक मित्र हैं, जो हमारे संस्था के लोग हैं, जो अन्य जगहों से कई तरह से हमसे जुड़े हुए हैं, पेशेंट के लोग हैं जो बरसों से दिखाते दिखाते एक दोस्त बन गए हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग एक बार साल में मिलने का कोशिश करते हैं। साथ में शहर के ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको शहर को सुधार सकते हैं। इसी क्रम में आज ये पार्टी रखा है और लिट्टी चोखा का इंजाम रखा है। लिट्टी जो बिहार का एक व्यंजन बन चुका है, इसकी खुशबू से लोग खींचे आते हैं, तो इसी यही समाज कार्यक्रम रहा और काफ़ी लोग इसमें आए, काफ़ी अच्छा लगा। बर्थडे भी था सर आपका, आज बर्थडे भी था केक? हाँ, आज बर्थडे है हमारा, उसी दिन बर्थडे है, केक काटा गया। कुछ बच्चों को हम लोग पास में जो बच्चे हैं झोपड़पट्टी में, उनको हम लोग 100 बच्चे को टोपी भी हम लोग आज के। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से एक बैठक आयोजित की गई जिसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से भजन एवं भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इसमें भागलपुर के मशहूर सिंगर द्वारा इस भजन कार्यक्रम को किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से भागलपुर जिला के संरक्षक संतोष कुमार, प्रदेश सचिव मनीष दास, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, प्रदेश महिला मोर्चा की संयोजक अनामिका ठाकुर, संगठन मंत्री नीतू सिंह चौबे, संगठन। बांका में हो रहे मंदार महोत्सव के 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्द भरी रातों में इंडियन आइडल से लेकर बॉलीवुड तक धमाल मचाने वाले गायक सलमान अली खान ने समा बांध दिया। सांस्कृतिक मंच की अगली पंक्ति में बैठे भागलपुर कमिश्नर संजय कुमार सिंह, बांका डीएम अंशुल कुमार, विधायक मनोज यादव, आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पंडाल में श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सलमान अली के गानों को सुनकर श्रोता वाह वाह कर उठे। मंदार महोत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। सलमान अली के गीत संगीत पर लोग खूब झूमे। पटना से आए स्वतंत्र संगीत के ये है मेरा बिहार के गीत में मंदार को भी जोड़ देने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल रहा। भागलपुर के सूफी गायक गजेंद्र मिश्रा ने भी समा बांध दिया। एक तरफ जहां पूरे बिहार में शराबबंदी है, फिर भी अवैध रूप से शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी सचेत है। इसी बाबत 1 अगस्त 2023 को पुलिस रोको टोको अभियान चला रही थी। सलेमपुर मोड़ सैनी के पास वाहन चेकिंग के दौरान 30 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था। तभी इस मामले में गवाह गुजरे, सबों ने पक्ष में गवाही दी। वहीं आज न्यायाधीश एडीजे बारा उत्पाद कोर्ट 2 के राजेश सिंह ने अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे युवक को 5 साल की सजा सुनाई और 1,00,000 रुपए आर्थिक जुर्माना भी किया। वहीं आर्थिक जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। GR 38/20/23 NTPC 60/23 यह आज मान्य न्यायाधीश ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 राजेश सिंह के कोर्ट में उक्त बात का ट्रायल हुआ। यह घटना 1/8/23 की है। सलेमपुर मोड़
सैनिक के पास एक मोटरसाइकिल से आ रहा था और वाहन चेकिंग कर रहे थे। उस वाहन चेकिंग के दौरान 30 लीटर विदेशी शराब मिला था। सभी गवाह ने सपोर्ट किया और आज उनको सजा हुआ, 5 वर्ष की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भोला कुमार मंडल। जिला युवा कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता सह भागलपुर प्रमंडल के प्रभारी अमितेश पांडे की उपस्थिति में प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर जिला युवा कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यंग इंडिया के बोल्ड सीजन 4 प्रतियोगिता का विमोचन किया गया। यंग इंडिया के बोल्ड कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आम और सामान्य पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराया जाता है। अमितेश पांडे ने बताया कि इस दौर में भाजपा नागरिकों की अभिव्यक्ति का आक्रमण कर रही है, उसी दौर में युवा कांग्रेस देश के युवाओं को बोलने का मंच प्रदान कर रही है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि आम और सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति से जोड़कर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस एक बार फिर से यंग इंडिया के बोल सीजन 4 लेकर के आई है, जिसके तहत जिस फॉर्म के तहत पूरे देश से जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चुने जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, वैसे लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को भरें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। जी, यह कार्यक्रम अभी से लेकर के 20 तारीख के अंदर तक सारे फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, जिसके तहत आपको प्रदेश स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा, फिर उसके बाद आपको राष्ट्र स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा, और उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो सभी को जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चयनित किए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है ये सीजन 4? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, ये सबसे पहले जानते हैं, ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जिसके तहत कोई भी युवा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वह इस फॉर्म को भरे और अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार प्रवक्ता के पद पर चयनित हो। हम सभी जानते हैं कि अभी जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में जिस प्रकार से महंगाई है, गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, और हमारी जो मांग है, सरकार लगातार, हम जितना बोल रहे हैं, विपक्ष लगातार आवाज़ उठाती है, उस मांग को सदन में भी नहीं सुना जाता है, सड़क पर भी हमारे नेता लगातार सदन से संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को सुना नहीं जा रहा है। तो इसी सोच को लेकर जो है यंग इंडिया बोल सीजन 4 की कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, ताकि जो हमारी आवाज़ को जो लगातार सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, वैसे वक्ताओं का चयन किया जाएगा जो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को रखेंगे, और अपने बातों को रखने के बाद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक